गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज संडे एंड इट्स टाइम फॉर अ बाथ। कम ऑन मैक्स, लेट्स गो फॉर अ बाथ। कम मैक्स, कम कम ऑन। Where is your shampoo, Max? Where is it? Where is it? Generally, मैं Max का सारे shampoos and grooming equipments इधर रखता हूँ. And specially, I use this Himalayas anti-flea and anti-tick shampoo. So, जब भी Max बाहर जाता है, walk के लिए जाता है, तो उसको उसको tick-free रखेगा. से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रश हिज हेयर सो दैट उसका हेयर कम शेड करे। जनरली बाथिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, मैक्स को एक जगह शांत बिठा के उसको पूरा हेयर कॉम करने का। लकीली मैक्स इज अ गुड बॉय, वेरी काम एंड क्वाइट, सो ज़्यादा कुछ भी करता नहीं है, वो बस एक जगह पे बैठा रहता है, विच हेल्प मी टू कॉम हिज हेयर ग्रेजुअली एंड ईजीली। गुड बॉय मैक्स, गुड बॉय। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ मच ही शेड्स, तो इतना, ये थोड़ा कम ही है बट नॉर्मली अगर समर सीजन हो तो उससे ज़्यादा शेड करता है। एंड नहाने के बाद तो बहुत सारे बाल निकल के आते हैं इस बच्चों के। ओके, सो कॉम करने के बाद आई जनरली यूज वाटर टू डाइल्यूट दिस शैम्पू, हिमालयाज एरिना ईपी शैम्पू। थोड़ा वो पानी में मिक्स करके उसको फोम आने तक अच्छे से डाइल्यूट कर लेता हूँ एंड देन आई अप्लाई टू मैक्स फॉर। I won't recommend you guys to apply shampoo directly onto a dog's fur. Maybe it may be harm his hair or skin. And the next step is to apply the shampoo all over his body. जहाँ पे normally dog की body surface contact में आती है, जैसे वो बैठते हैं, तो उधर ज़्यादा shampoo एंड अच्छे से shampoo लगाना बहुत ही ज़रूरी है, like his paws and stomach. We make sure हम Max के hair अच्छे से क्लीन करे, उसको अच्छा हाइजीन मेंटेन करे, सो दैट ही कीप्स शाइनिंग एज ही शाइन्स एवरी डे। अगर आप डॉग को नहलाते हो तो मेक श्योर कि आप उसके सर बाद में भिगोए, या फिर सर पे पानी अगर आप डालते हो तो वो बाद में डाले, बिकॉज अगर आप पहले पानी डालोगे तो डॉग को अनकम्फर्टेबल फील होता है एंड वो बॉडी शेक करता है तो आपको भिगा देगा। एंड एज यू नो लैब्राडोर्स आर डबल कोटेड, इसका भी कोट थोड़ा ज़्यादा है, सो आई यूज दिस ब्रश टू रब हिज बॉडी ऑल ओवर हिज फर सो दैट अंदर कुछ भी फंसा हो, डस्ट हो, तो निकल जाए। Oh.
एंड नाउ इट्स टाइम टू वॉश हिज हेड एकदम लास्ट में. उसके बाद मैक्स का फेवरेट काम, पानी में भीगना, पानी में मस्ती करना. ओके, तो ये सब नहा के होने के बाद आता है ड्राइंग प्रोसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर हैज़ लॉट ऑफ हेयर, अ थिक फर, सो उसको अच्छे से ट्राई करना, उसको अच्छे से सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर बिकॉज थोड़ा भी मॉइस्चर रहे अंदर तो उनको स्किन डिजीज या फिर अब हमें जैसे डैंड्रफ होता है वैसे ही काइंड ऑफ स्किन डिजीज होता है उनको भी, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ. सो मेक श्योर आप डॉग को अच्छे से ट्राई करें. एंड ये से मैक्स का फेवरेट काम है टॉवल के साथ खेलना, ये देखो, बिकॉज वो मुझे कभी भी पोंछने देता ही नहीं है अच्छे से. सो आई यूज़ दिस हेयर ड्रायर एंड टॉवल उसको दे देता हूँ खेलने के लिए, सो वो थोड़ा बिजी रहता है एंड आई कैन ड्राई हिम यूजिंग दिस हेयर ड्रायर. गुड बॉय मक्सर. एंड ये आने के बाद मेक श्योर कि उनके कान में पानी ना जाए, उनके कान में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, और कान अच्छे से साफ करना है बाद में नहाने के बाद, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. बट एंड ये सब होने के बाद प्ले विथ योर डॉग. जनरली आई यूज टू प्ले टग ऑफ वॉर विथ टॉवल, बिकॉज उसको ऐसे भी टॉवल बहुत पसंद है. सो मैं थोड़ा देर खेलता हूँ उसके साथ 5-10 मिनट, सो दैट ही एन्जॉयज द बैथिंग प्रोसेस ओवरऑल. सो नेक्स्ट टाइम जब भी है बस ऐसे ही शांति से बैठा रहे. एंड यू कैन सी उतना उसका फर कितना शाइन हो रहा है यहाँ पे. सो दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू कि बहुत अच्छे से ख्याल रखो, बहुत अच्छे से फर मेंटेन करो, बिकॉज एज ऑल ऑफ यू नो हेल्दी फर इज अ साइन ऑफ हेल्दी डॉग. ये सब होने के बाद भी घर पे इतने सारे बाल बिखर जाते, बाल फैल जाते कि उसको साफ करना भी एक टास्क बन जाता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैक्स एज वेल, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. बाय बाय.